ये स्टार्ट हो गया है। इसके पहले एक और व्लॉग आगे होगा वृंदावन डे टू वाला, तो आप प्लीज जाके जरूर देखना वो वाला व्लॉग भी। और आज का जो व्लॉग है, तो आज मैं जाने वाली हूँ कोटा का फेमस दशहरा मेला, जी हाँ, जो कि पूरे एक महीने रहता है। एंड सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरी जो फ्रेंड्स हैं ना, वो लोग भी जाएंगे। मेरा यहाँ कोटा में दूसरा साल है एंड मैं अभी तक एक बार भी वो मेले में नहीं गई हूँ। जो कोटा का दशहरा मेला होता है ना, वो पूरे एक महीने तक चलता है और अभी तक मैं उसमें एक बार भी नहीं गई हूँ, अभी दो साल में। तो इस बार मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करना था, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट ईयर यहाँ हो ना हो, तो बस थोड़ा सा एंजॉय कर ले और घूम फिर ले। तो अभी मैंने व्लॉग देखा था एहसास टन्ना का, जो कि वो अभी कोटा में ही है और वो भी दशहरा मेला घूम के आ चुकी है। वो देखने के बाद तो मेरे में और क्यूरियोसिटी होने लगी कि मुझे भी जाना है वहाँ पे, झूला पे झूलना है, एंजॉय करना है। वैसे तो मैंने दशहरा मेला से, मतलब मेरी फ्रेंड गई थी पहले, तो उससे मैंने दो बलून्स, लाइट वाले बलून आते हैं ना, उसको मैं झीली मिली बलून बोलती हूँ। हाँ, तो जो झीली मिली बलून होते हैं ना, लाइट वाले बलून, तो वो मैंने मेरी फ्रेंड से दो मंगवाए थे, आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये दोनों जो बलून आप पीछे देख रहे हो ना, ये दोनों जो बलून है, ये मैंने मेरे फ्रेंड से, मेरी फ्रेंड गई थी मेले में, तो वहाँ से मैंने उससे ऑलरेडी मंगवा लिया था। पर क्योंकि मुझे लगा था कि मैं मेला नहीं जाऊँगी, पर आज मेरा प्लान बना कि नहीं, आज हम जाके रहेंगे, आज जाना है, क्योंकि मम्मा ने भी बोला। अभी मुझे दो घंटे का कुछ काम है, अभी दो तीन बज रहे हैं, फिर मुझे एक दो घंटे का कुछ काम है, उसके बाद नेहा एंड खुशी हम सब मिलके हम लोग फिर जाएंगे। तो अभी मैं हो रही हूँ रेडी, मेरा मेकअप जो है ना धुलने वाला है, क्योंकि अभी दो ही बज रहे हैं और हमें जाना है 5 बजे, तो मैं अभी ही कर रही हूँ सब कुछ, क्योंकि मुझे काम है और इस वजह से। तो अभी मैं मेकअप करूँगी, तो गाइज मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेकअप 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 मेकअप। लाइटनिंग यहाँ पे मे भी सही नहीं आ रही हो, सब कोई मुझे बोल रहे थे कि तुम बहुत मोटी हो गई हो, तो इस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया, जिससे ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा फेशियल फैट भी गेन कर लिया है, जिसकी वजह से मेरा चेहरा बिल्कुल घूलू मूलू सा लगता है। मेकअप वॉशरूम के अंदर बिल्कुल भी क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही है, बहुत ही अजीब सा आ रहा है फेस, अभी भी अजीब ही आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है। जितना भी मुझे मेकअप वगैरह करना है, वो सब करने के बाद अब मैं व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। गाइस मैं गई थी सिंपल मेकअप करने और मैं आई हूँ ऐसी बन के भूतनी। पता नहीं क्यों, एक्चुअली रखे रखे मेरे सारे मेकअप की आई शेडो पैलेट्स वगैरह सब बर्बाद हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं मेला देखने ऐसे बन के जाऊंगी। जब मेरे घर में शादी होती है, तब भी मैं इतना तैयार नहीं होती जितना मैं अभी हुई हूँ। मुझे पता है कि मैं भूतनी जैसी लग रही हूँ, बट स्टिल अब मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा लग के। अभी एक्चुअली मेरा काम पता क्या है, कुछ ठूसने जाना, तो अभी मैं जैसे ही खाऊंगी ना, मेरा ये सारा मेकअप सब धुल जाएगा उसमें। पर कोई बात नहीं, धुला हुआ मेकअप अलग ही चमकता है। मेरी मासी की बेटी है ना, वो पता है जब भी रेडी होती है तो वो कैसे बोलती है, हम इतने सुंदर हैं हम क्या करें। अब मैं थोड़ी बहुत सेल्फी वीडियोस ले लेती हूँ गाइस, उसके बाद फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और हम लोग मेले में ऐसे जा रहे हैं। नया दिखाओ अपना आउटफिट, अपना मेकअप, मिलाओ ना। अभी हम जा रहे मेले में, नहीं जाना मुझे कहीं भी, नेहा को नहीं जाना मेले में। वो जो खुशी तो आई नहीं, तो भी हम खुद से ही जा रहे मेले एंजॉय करने, है ना नेहा? कट गया नेहा का, कट गया। कोटा का दशहरा मेला, चलेगा
ये देखिए सब कुछ कितना सुंदर सा है यहाँ पे। आई लव दिस मेला नया। तो आप क्या कह रहे हैं आपका कोटा के मेला के बारे में? दिस मेला इज वेरी सेक्सी लाइक मी। बैठेगी क्या नया? यहाँ पे सब पे कपल्स आए और हम दोनों कपल्स है ना। मुझे जाना है नाव पे, नया नाव पे चलते हैं तो कुछ खाने चलते हैं। हाँ खाने के नाम पे ही हमेशा रेडी है। यहाँ पे लाइटिंग अच्छी है लाइट। हमने अच्छा लग रहा है ये अभी और ये नजर वाला लेगी। ये हम लोग ब्रेक डांस में और ये स्टार्ट हो गया है। नहीं, नहीं, गाइस मैं आगे बढ़ रही है। मैं कुछ नहीं होता बेटे, ये ब्रेक डांस ये और झूले यहाँ पे स्टार्ट कब होगा भी? अभी सारे सीट पर ये देखो आप हमारी शक्लें। ये झूला झूलों के बाद नेहा इतना चिल्लाई है यहाँ पे। नाव नहीं इसके ऊपर तो चल, ये भी ऐसे हलता है। Yeah.
जी यहाँ पे कर्तव्य दिखा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं वापस। जल्दी चलो, टाइम हो गया हॉस्टल का। तो अभी मेरी ऐसी हालत हो रही है, जब मैं जा रही थी तब मेरी हालत ऐसी थी और अभी ऐसी। इसमें है मेरे कुछ इसमें मैं लेके आई हूँ कोल्ड ड्रिंक, भले ही मेरा गला खराब है तो क्या हो गया, और मैंने ये इयर रिंग भी खरीदी वहाँ से। मैं बस ये जल्दी से मेकअप धो लेती हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है ऊपर से वहाँ पे ऐसे होना, उल्टी उल्टी सा लग रहा था बिल्कुल ही, झूले पर तो हालत ख़राब थी। मेकअप वगैरह सब कुछ धो लिया है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। एंड गाइज मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है मेले से। सबसे पहले तो ये वाले इयरिंग जो अभी मैंने पहने हैं, ये जो आप देख रहे हो ना ये नीचे वाले, और एक ऐसे में ही एक और इयरिंग है जो कि बहुत प्रिटी है, मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो ये दोनों इयरिंग मैंने लिए हैं, ये अगर मैं कहीं और से लेती ना तो मुझे 100-200 से कम ही नहीं मिलता, पर ये मुझे ये वाले 20 के हैं एंड ये वाले भी 20 के हैं। और रिंग्स वगैरह कुछ भी लेने का मुझे टाइम नहीं मिला, झुमका वगैरह, क्योंकि हम लोग के पास काफ़ी लिमिटेड टाइम था। 6 बजे समथिंग मेले में गए थे एंड अभी 7:30 में हम लोग को वापस भी आना था कैब वगैरह बुक करके, तो काफ़ी टाइम लगता है। एंड ये जो आप देख रहे हैं पीछे में, इसमें आपको ये बलून्स जला के दिखाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं ये देखिए। रूम टूर वाले वीडियो में तो आपको मैं बिल्कुल डिटेल से दिखा दूंगी, अभी तो मेरे रूम में पानी वानी गिर गया है, बहुत गंदा कचरा, ये देखो आप कैसा कचरा फैला के रखा हुआ है मैंने, कि वहाँ पे खाने का टाइम नहीं था तो पैक करा लिया, अब इसको खाती हूँ। एंड हाँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं करते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना प्लीज़ गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, और फिर आप बताओ कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊं या फिर ऐसे वीक में एक बार दो बार। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।